सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हम आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2018 का आईपीएल मैच चेन्नई सुपर किंग्स तथा दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम को 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस मैच में 40 गेंदों पर 78 रनों की पारी खेलने वाले चेन्नई सुपर किंग के शेन वॉटसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, मगर वॉटसन को जीत के बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाना अपने आप में कुछ हद तक सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें एक प्रकार से भूल हुई है। मैन ऑफ द मैच का खिताब वॉटसन को ना देते हुए इस खिलाड़ी को दिया जा सकता था। चेन्नई सुपर किंग बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स के मैच में मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने इस मैच में अंत में आकर मात्र 22 गेंदों पर 2 चौके तथा 5 छक्कों की बदौलत शानदार 51 रनों की पारी खेली और इसी तेज तर्रार पारी की वजह से उन्हें इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले आपको यही मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।